इसकी बैटरी फुली हुई है, जिस वजह से आप देखोगे इसका टच का ही ये टच भी खराब हो रखा है, टच के भी ये निकल गया है, टच पैड जो है ये पूरा टूट गया है, तो बैटरी जब फूल जाती है तो हमें चेंज करा लेनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है 14CF। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, HP का लैपटॉप है ये, 14CF का है मॉडल है इसका CF, और ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें बैटरी का अलर्ट आता है। करते हैं तो आपके पास भी कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कीबोर्ड की, बैटरी की या हिंज की, किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैटरी फुली हुई है, जिस वजह से आप देखोगे इसका टच का ही ये टच भी खराब हो रखा है, टच के भी ये निकल गया है, टच पैड जो है ये पूरा टूट गया है, तो बैटरी जब फूल जाती है तो हमें चेंज करा लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे और भी पार्ट्स में दिक्कत आने के चांस रहते हैं। ये पट्टी के नीचे स्क्रू होते हैं इस मॉडल में, ये आप देखोगे हमारी बैटरी पूरी फुली हुई है। तो इस प्रकार इस चीज से बचने के लिए आप टाइम टाइम पे अपना रेगुलर चेकअप कराते रहे लैपटॉप का, और इन समस्या से बचने के लिए आपको ये यूज करना है कि आप चार्जर पे बैटरी को कम ही यूज करें। जब बैटरी आपकी 100% हो जाए तो आप चार्जर को प्लग आउट कर दें और बैटरी पे यूज करें, बैटरी की एक साइकिल बना लें कि चार्ज हो डाउन हो, चार्ज हो डाउन हो। तो इस प्रकार हमारी बैटरी नहीं फूलेगी और हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और पार्ट जैसा मैं आपको वीडियो के शुरू में दिखाया कि इसकी टच पैड भी खराब हो रखा है, क्योंकि बैटरी जस्ट इसी के नीचे होती है। ये यहाँ पे बैटरी है, ये हमारा टच पैड है, ये हमारी बैटरी है और ये हमारा टच पैड है, तो इसलिए टच पैड में भी हमारा क्रैक हो गया है। इस समस्या से बचने के लिए अपने लैपटॉप का रेगुलर चेकअप कराते रहें, और सूरज कंप्यूटर्स पर आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। पूरी बैटरी खराब हो रखी है, फूल चुकी है, ये इसमें हम कंपेटेबल बैटरी लगा रहे हैं, लैबकेयर कंपनी की बैटरी है जो हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें दो प्रकार की बैटरी आती है, इसमें ओरिजिनल बैटरी भी मिलती है, पर ओरिजिनल नहीं लगा रहे हैं कस्टमर, तो हम उसमें कंपेटेबल बैटरी लगा के दे रहे हैं। ये बैटरी हम इसमें लगाएंगे, बैटरी हमने इसमें लगा दी है, इंटरनल बैटरी होती है, पूरा लैपटॉप खोल के लगानी होती है। और बैटरी लगाते हुए कुछ चीजों की एहतियात रखनी पड़ती है, सबसे पहले कि मदरबोर्ड के पास कोई आपका स्क्रू ना गिरे, क्योंकि जब बैटरी लगती है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है मदरबोर्ड में, इसलिए इसके पास से आप कोई भी मदरबोर्ड के पास कोई ये स्क्रू वगैरह मत रखें, उनको हटा के ही रखें, उससे दूर रख के ही रखें।